नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं अदानी पोर्ट के बारे में। कंपनी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले अपना रिजल्ट पेश किया है, तो चलिए देखते हैं रिजल्ट के अंदर क्या आया, कितना प्रॉफिट कितना लॉस बन गया है और क्या सपोर्ट और टारगेट बन के आ सकते हैं आने वाले समय में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार, मैं मनितोष कुमार, आप देख रहे हैं द इंजीनियर। कंपनी ने अभी अभी रिजल्ट पोस्ट किया है, तो क्या बन गया है इस बार इनकम। बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी ने 1090 करोड़ का, मतलब 1090 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1210 करोड़ का किया हुआ था। पिछले साल दर साल अगर बात करें तो उस समय भी 1081 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो अगर साल दर साल देखे, ईयर ऑफ ईयर देखे, तो कोई चेंज नहीं हुई है। पिछली बार 1080 करोड़ का जनरेट की थी रेवेन्यू, इस बार 1090 करोड़ का, तो साल दर साल कोई चेंज नहीं है। क्वार्टर बाय क्वार्टर देखे तो थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1210 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, इस बार 1090। तो देखे तो 120 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कम दिखाया है कंपनी ने इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। चलिए एक्सपेंस देखते हैं, एक्सपेंस में क्या आया है। एक्सपेंस में कंपनी ने टोटल इस बार 1143 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछली बार 1435 करोड़ खर्च किए हुए थे और पिछले साल 621 करोड़ खर्च। तो आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब रेवेन्यू सेम है तो एक्सपेंस पिछले साल 621 करोड़ ही क्यों थे, इस साल 1143 करोड़ क्यों हुए। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक सेक्शन है फॉरेन एक्सचेंज, वहाँ पे पिछले साल कंपनी को 464 करोड़ का मुनाफा हुआ था फॉरेन एक्सचेंज की बदौलत। इस क्वार्टर में उसको बस 33 करोड़ का फायदा हुआ है, मतलब देखिए तो 450 करोड़ का फायदा उस बार हुआ था, इस कारण से उस बार कम आया था एक्सपेंस, इस बार ज्यादा आया, तो वो एडिशनल हो गया। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा। तो देखा जाए तो एक्सपेंस इस बार 1143 करोड़ कंपनी ने खर्च किया है, पिछले क्वार्टर में 1435 करोड़ था और उससे पिछले साल 621 करोड़। तो टोटल देखते हैं क्या प्रॉफिट या लॉस बन के आया है। तो इस बार का प्रॉफिट बन के आया है 328 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 188 करोड़। तो अगर देखे तो क्वार्टर बाय क्वार्टर देखे तो यहाँ से बहुत अच्छा जंप, मतलब लगभग 60% के आसपास का जंप देखने को मिली है प्रॉफिट में पिछले क्वार्टर के मुकाबले। लेकिन साल दर साल अगर बात करें तो 695 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, इस बार 328 करोड़। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ऑलमोस्ट आधा हो चुका है इस बार, 50% डिक्लाइन देखने को मिल रही प्रॉफिट साल दो साल। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि ईयर ऑफ ईयर 50% डिक्लाइन है प्रॉफिट, लेकिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर 60% अप है। यही एक वजह रही है जिस कारण से शेयर पिछले 3-4 दिनों से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर की ओर नहीं जा रहा। क्योंकि बेसिकली अगर ईपीएस भी देखे इसका, कंपनी का अगर ईपीएस देखे तो इस बार 1.61 का ईपीएस है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.92 था, पिछले साल 3.42 था। तो ईपीएस में भी सीधे 50% ड्रॉप देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले। जिस प्रकार प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले आधा हो चुका है, उसी तरह ईपीएस भी पिछले साल के मुकाबले आधा हो चुका है। तो इससे हमें एक चीज ये पता चल रहा है कि कंपनी पिछले कई दिनों से एक ही रेंज में फंसी हुई है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यही पड़ रहा है, असर यही देखने को मिला है। क्योंकि रिजल्ट शायद बड़े बड़े लोगों को पता होगा कि ऐसा रिजल्ट आने वाला है, इसलिए शेयर में नहीं कोई बाइंग कर रहा था, नहीं कोई सेलिंग कर रहा था, क्योंकि न्यूट्रल रिजल्ट मेरे हिसाब से कोई ज्यादा ये नहीं खराब है नहीं अच्छा है, बस न्यूट्रल, मेरे हिसाब से एक न्यूट्रल रेटिंग इसको दिया जा सकता है। क्योंकि मुझे रिजल्ट में नहीं कुछ खराब दिख रहा है, क्योंकि क्वार्टर ऑफ क्वार्टर प्रॉफिट तो बढ़ा है लेकिन साल दर साल घटा है। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये न्यूट्रल रिजल्ट है, इसमें शेयर में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें इनकरेज करें, ताकि आने वाले दिनों में